श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम व्यक्ति की जानकारी के बिना व्यक्ति के प्रति हमारे भाव नहीं जगते हैं। इसी प्रकार ग्रंथ जो आप भागवत कथा सुन रिया हो उन बारे में भी जब तक पतो नहीं है कि भागवत है कहीं,
किन द्वारा इन्हें रचना करी गई, किन्नी किन्नी कड़ा कड़ा भक्तों ने इन्हें कथा सुनने से मुक्ति हुई। जब तक ग्रंथ के बारे में अपना भाव जागे नहीं, इन्हीं वास्ते पद्म पुराण में भागवत जी महिमा बताई है कि भागवत क्या है, इसको सुनने से ऐसे कैसे कैसे जीवों की मुक्ति हुई है। वेदव्यास जी महाराज ने इसकी रचना तो की, परंतु भगवान के ही वचन इसमें है। भागवत परमात्मा का ही स्वरूप है, जिन समय भगवान परमात्मा गोलोक धाम जौन आला, उन समय उद्धव जी है, कई लोग भगवान के चरण में आए, रोन लाग गया कि महाराज आप पधार जाओ, मारो कहीं गई, मैं भागवत कथा ना लोगों ने मुक्ति की कर गई, मैं किन्ने सारे जीवा, आप पधार जाओ। उन समय भगवान परमात्मा आपरो वांग्मय स्वरूप, वाणी रो स्वरूप भागवत कथा में प्रवेश कराए, कहो कि आज के बाद में आपका कोई सहारा होगा, ये भागवत महाकथा सहारा बन जाएगी और मेरे को ही पढ़ोगे, मेरे को ही सुनोगे। भगवान भागवत कथा सुना जाने एड़ो लागे कि भगवान कन्हैया बैठा है, आपा कथा सुन दिया। आ ग्रंथ की पूजा क्यों कराई जावे, कोई संत की पूजा नहीं होती है, ग्रंथ की पूजा हो रही है। आप पुष्प चढ़ाते हो, आप मन से प्रणाम करते हो, ये भागवत जी के श्री चरणों में कर रहे हो, इसका मतलब भगवान खुद विराजमान है और उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। वाणी के स्वरूप में भगवान विराजमान है, वाणी के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। तो अपा सब अपने मन सो वचन सो भागवत जी श्री चरणा में वंदन करता हुआ, और ये सोचो कि भगवान खुद आप रे वाणी रे द्वारा अपनो कल्याण कर रिया है। परमात्मा ने तो उस समय अवतार लेकर के कुछ लोगों का कल्याण किया, कंस है, पूतना है, बकासुर है, अनेक राक्षसों रो कल्याण करियो, पर भागवत जी कथा आ भगवान रो वाणी रो स्वरूप वो हजारों कल्याण कर लिया है और करते ही आ रही है, करते ही जा रही है। कथा कोई सामान्य कथा होती तो एक बार कथा सुनने के बाद में मन में अरुचि हो जाती, बहुत बार सुन ली है, बाईस कथा है पहल के सुनी जी, परंतु कथा सुनते सुनते मन में मन कभी अगाता नहीं है, मन कभी तृप्त नहीं होता है, मन में वो लगे कि कथा और सुना तो अच्छा, कथा और सुना तो अच्छा। इन प्रकार मन री भावना परमात्मा के प्रति बढ़ती रहे। इन मतलब कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, सामान्य कथा होती एक बार सुनने के बाद में दूसरी बार सुनने का मन नहीं करता, परंतु ये तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है, इसको जितनी बार सुनोगे जितने बार आनंद आएगा। आप कीर्तन करते हो घर में, किन प्रकार जिन समय कीर्तन करो नहीं तो भगवान रो कीर्तन करा, उन समय मन रा भाव बड़ा अच्छा है, कीर्तन रोज कर रहे हो पर भाव अच्छे होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कि नित्य नूतन लगता है कीर्तन भी। इसी प्रकार भागवत जी की कथा है, जैसे सूर्य उदित होता है वही सूर्य, पर रोज आप देखते हो कि सूर्य उदित होता है, परंतु आप देखो कि रोज एक जड़ो ही सूर्य, एक जड़ो नहीं है, नित्य नूतन है, नित्य नूतन है, प्रतिदिन वो चेंज होता है, समय बदल रहा है, साल बदल रहे हैं, सन बदल रहा है और ऋतु बदल रही है, सूर्य के साथ चलता है। इसी प्रकार हमारे पूरे जीवन में भागवत कथा है, जितनी बार सुनोगे इतनी बार आपको नूतन लगेगी, जितनी बार सुनोगे आपको कोई न कोई ज्ञान मिलेगा। यदि मन सो वचन सो भाव सो अपना सुनाला, अपने अड़ी अड़ी बातें में मिलेला, अपना जीवन रो कल्याण हो जावेला। तो भगवान वाणी रो स्वरूप है भागवत कथा, जिनो आनंद आप सब लोग ले रिया हो, बड़े भाग्यशाली हो। एक छोटा सा कीर्तन हो, उसके बाद में कथा में पुष्प अर्पण करते हुए प्रवेश करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन जगदीश जी बोलो। गुरुदेव की सीता सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे
सरस्वते वासुदेवाय स्वस्त श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषित करा नाव बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखान अरविंद नेत्र कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती निशेष जाड्यां पहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री सद्गुरुदेव की
श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की। मैं आप सभी लोगों ने एक प्रार्थना बोला हूँ, आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ता हुआ 2 मिनट भगवान को ध्यान करता हुआ बा प्रार्थना मारे लारे लारे बोल जो। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधा मही सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए बोलो राम। राम ने सुमिरले भाई हरि ने सुमिरले मारा साथी राम ने सुमिरले।
असंग जुगासू सू तो मारो हंसरो असंग जुगासू सू तो मारो हंसरो काम क्रोध माया में फसलो काम क्रोध छोड़ मैं तो करी रे सबूरी जगने छोड़